प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक स्टोरी। स्टोरी का टाइटल है ए स्ट्रेंज इंटरव्यू, इसका अर्थ होता है एक विचित्र साक्षात्कार। राइटर हैं जेम्स हैरियट। यदि आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, और पसंद ना आए तो डिसलाइक भी ज़रूर कर दीजिए, ताकि मुझे एहसास हो कि आप एक्टिव हैं। तो देर न करते अब शुरू करते हैं। इट वॉज हॉट इन द रिकेटी लिटिल बस एंड आई वॉज ऑन द रॉन्ग साइड वेयर द जुलाई सन बीट ऑन द विंडोज। एक गर्म और जर्जर गर्मी के दिनों में जर्जर छोटे से बस में मैंने चढ़ा, और मैं एक गलत जो साइड होता है उसकी तरफ, यानी जिधर सूरज की रोशनी पड़ती है उधर की तरफ मुझे बैठना पड़ा, जिधर जुलाई का जो सूरज की रोशनी है वह विंडो को पीट रहा था, खटखटा रहा था। आई शिफ्टेड अनकम्फर्टेबली इनसाइड माई वेस्ट सूट एंड ईज्ड ए फिंगर इनसाइड द कॉन्स्ट्रिक्टिंग वाइट कॉलर। जानकारी के लिए बता दूं, जब कोई इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो सामान्यतया सभी जगह का यही रूल है कि ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट पहनता है, तो ये आदमी जो राइटर हैं वह ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट पहन करके इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं। आई शिफ्टेड अनकम्फर्टेबली, कम्फर्टेबली का मतलब होता है कि परेशानी, इनसाइड माई बेस्ट सूट, यानी बस के अंदर में अच्छे से कपड़ा, जो सबसे बेस्ट सूट है, जो सबसे अच्छा कपड़ा है वह पहन करके परेशानी होते हुए अंदर में गए हैं। ईज्ड का अर्थ होता है लगातार डालना, यानी जो अच्छा कपड़ा पहनते हैं तो बार बार अपने कॉलर को सरियाते रहते हैं, तो कॉलर के जो बीच वाला पार्ट है, जो छेद होता है, उसमें बार बार वो उंगली डाले जा रहे हैं और उसको सरिया रहे हैं। फिंगर इनसाइड द कॉन्स्ट्रिक्टिंग वाइट कॉलर, वाइट कॉलर जो है उसमें दबा दबा करके घुसा रहे हैं। इट वॉज ए फुलिश आउटफिट फॉर दिस वेदर बट ए फ्यू माइल्स अहेड माई प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर वॉज वेटिंग फॉर मी एंड आई हैड टू मेक ए गुड इम्प्रेशन। कह रहा है यहाँ पे कि इट वॉज ए फुलिश आउटफिट फॉर दिस वेदर, यानी जो ये मौसम है, इस मौसम के लिए बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण बाहरी दिखावा वाला एक कपड़ा पहन चुके हैं। लेकिन कुछ ही दूर पर मेरा एक जो रोज़गार देने वाला आदमी है मुझे इंतज़ार कर रहा है। प्रोस्पेक्टिव मतलब होता है प्रत्याशी। प्रत्याशी का अर्थ होता है कि एक नया आदमी जो काम करने के लिए तैयार है वो मेरा इंतज़ार कर रहा है, और मैं गुड इम्प्रेशन के साथ उसको इम्प्रेस करने के लिए जा रहा हूँ। देयर वॉज ए लॉट हैंगिंग ऑन दिस इंटरव्यू, उस इंटरव्यू के लिए, उस साक्षात्कार के लिए बहुत ढेर सारा एम्प्लॉयर का जो एम्प्लॉय के लिए आवेदन देते हैं, बहुत ढेर सारा वहाँ नाम टंगा हुआ है। बीइंग ए न्यूली क्वालिफाइड वेटरनरी सर्जन इन दिस ईयर 1937, बिल्कुल ही नया साफ सुथरा क्वालिफाइड एक मवेशी का डॉक्टर इस साल 1937 ईस्वी में पास होकर के वह ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं। देर वॉज यूजुअली टू और थ्री सिचुएशन वैकेंट एंड एवरेज ऑफ 80 अप्लीकेंट्स फॉर ईच वन। संभवतया दो या तीन जो सिचुएशन बनता है, दो या तीन सीट खाली होता है एक साक्षात्कार के लिए, और एवरेज लगभग औसतन एक सीट के लिए 80 या उससे ज़्यादा अप्लीकेंट्स आते हैं और साक्षात्कार देने के लिए भी आदमी वहाँ पे पहुँचते हैं। इट हैड सीम्ड ट्रू व्हेन द लेटर केम फ्रॉम डेरोवी इन द यॉर्कशायर डेल्स।
It hadn't seemed. बिल्कुल ही विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी होगा कि जब मेरे लिए मेरा कोई लेटर आएगा कहाँ से, डेरोबी इन द योर्कशायर डेल से, योर्कशायर डेल से मेरे लिए भी कोई लेटर आएगा। मिस्टर सिगफ्राइड फेरनॉन, MRCVS का अर्थ होता है मेंबर ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ वेटनरी सर्जन। एक रॉयल कॉलेज है इंग्लैंड में, उसका यह मेंबर है सिगफ्राइड फेरनॉन। वुड लाइक टू सी ऑन द फ्राइडे आफ्टरनून, जो कि मुझसे मिलने वाले हैं या मैं उनसे मिलने वाला हूँ फ्राइडे आफ्टरनून यानी शुक्रवार के दोपहर में। आई वॉज टू कम टू टी एंड इफ वी वेयर म्यूचुअली सूटेड आई वुड स्टे ऑन एज असिस्टेंट। शुक्रवार के दोपहर उनसे मिलने वाले हैं। आई वॉज टू कम टू टी एंड इफ वी वेयर म्यूचुअली सूटेड, मैं उनसे मिलने वाला हूँ और यदि मिलने के बाद यदि दोनों में परस्पर संबंध ठीक ठाक बैठ गया तो असिस्टेंट के तौर पे वहाँ पे हम रुक जाएंगे। सिगफ्राइड फेरनॉन, स्ट्रेंज नेम फॉर ए वेट इन द योर्कशायर डेल्स। योर्कशायर डेल्स के लिए सिगफ्राइड फेरनॉन जो नाम है बिल्कुल ही विचित्र नाम है, अजीब व गरीब नाम है वहाँ के लिए। प्रोबेबली संभवतया ये जर्मन हु हैड डन हिज ट्रेनिंग इन दिस कंट्री एंड डिसाइडेड टू सेट अप इन इंग्लैंड। संभवतया कोई जर्मनी का आदमी जो यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए आया हो और यहीं बस जाने के, यहीं प्रैक्टिस करने के लिए रुक गया हो, ऐसा हुआ होगा। प्रोबेबली फेरनॉन, यस संभवतया फेरनॉन वे उसी में से एक होंगे। ये जो स्पेलिंग आप देख रहे हैं फेरनॉन और यहाँ पे, दोनों बुक में ऐसा ही दिया हुआ है और एक ही आदमी की चर्चा की गई है, सिगफ्राइड फेरनॉन। हाँ, सिगफ्राइड फेरनॉन, ही वॉज बिगनिंग टू यू टेक शेप इन माय माइंड। शुरुआती में मेरे दिमाग में यही बस गया था कि सिगफ्राइड फेरनॉन जो हैं होंगे कैसे, शॉर्ट फैट रोली पॉली यानी छोटा सा नाटा सा और गोल मटोल, रोली पॉली का अर्थ होता है गोल मटोल टाइप, विथ मैरी आईज एंड ए बबलिंग लाफ। एक मैरी आईज का मतलब छोटी छोटी आँख और बबलिंग लाफ का मतलब होता है उत्साहित भरा हंसता हुआ चेहरा, जो उनके छवि को मन में बसा लिया था ये आदमी कि शायद ऐसा वो हो सकते हैं। I realized the bus was clattering along a narrow street which opened on to a square where we stopped. मैंने ऐसा महसूस किया कि बस जो है ना इस पतली गली में बहुत ही खराते हुए यानी लड़खड़ाते हुए खरखराते हुए वह जा रहा है और वह वहाँ पे जाके रुका जहाँ पे चारों ओर से घर बना हुआ था। स्क्वायर मतलब होता है चारों तरफ से घर बना हुआ होना और बीच में एक खाली जगह होना, उसको बोलते हैं स्क्वायर। वहाँ पे जा कर के बस रुका। वी हैव अराइव्ड, हम लोग पहुँच चुके हैं। आई गॉट आउट एंड स्टूड बिसाइड माई बेटर्स सूटकेस। बेटर्स मतलब होता है टूटा फूटा मैला कुचैला जो सूटकेस है, उस बस पर से उतरने के बाद उस सूटकेस के बगल में वह खड़े हो गए या खड़ा होकर के सूटकेस को बगल में रख लिए। लुकिंग अबाउट मी, मैं अपने चारों ओर देखा। देयर वॉज समथिंग अनयूजुअल एंड कुड नॉट पुट माई फिंगर ऑन इट एट फर्स्ट। वहाँ पे कुछ अजीबो गरीब सा दिख रहा था, कुछ अलग सा दिख रहा था, लेकिन मैंने वहाँ पे को अपनी उंगली पहले नहीं डाला क्योंकि वहाँ पे मैं पहली बार गया था। देन आई रियलाइज्ड व्हाट इट वाज द साइलेंस। उसके बाद मैंने महसूस किया कि क्या कि यहाँ कितनी शांति है, बिल्कुल ही शांत था।
देयर वॉज ए क्लैरिटी इन द एयर। नहीं, मैंने ऐसा एहसास किया था कि वहाँ बिल्कुल ही शांति होगा, और जहाँ मैं जा रहा हूँ देयर वॉज ए क्लैरिटी इन द एयर, वहाँ बिल्कुल जो एयर होगा साफ सुथरा होगा, क्लीन होगा। ए सेंस ऑफ स्पेस एंड एयरिनेस, वह वहाँ पे जगह बहुत ज़्यादा होगा और हवादार होगा। दैट मेड मी फील, जो मुझे ऐसा एहसास हुआ। आई हैड सेड समथिंग ऑन द प्लेन, मैंने जमीन पर गिरते हुए कुछ देखा। 20 miles बिहाइंड, 20 kilometers दूर। द कन्फाइनमेंट ऑफ द सिटी, सिटी से घिरा हुआ ये जगह, यानी बहुत सारे शहरों से घिरा हुआ ऐसा जगह। द ग्रीम, ग्रीम का अर्थ होता है मैला कुचैला। मतलब ये एज्यूम किया था राइटर कि मैं जहाँ जा रहा हूँ साफ सुथरा होगा, बिल्कुल शांति होगा, खुला जगह होगा, बिल्कुल हवादार होगा। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि शहरों से घिरा हुआ एक ऐसा जगह है जो मैला कुचैला है। द स्मोक ऑलरेडी दे सीम्ड टू बी फॉलिंग अवे फ्रॉम मी, और वहाँ पे स्मोक ऐसा लग रहा था कि मेरे ही आसपास से वह गिर रहा है। ट्रेन गेट वॉज ए क्विट स्ट्रीट लीडिंग ऑफ, यहाँ पे एक ऑफ कट जाएगा। द स्क्वायर एंड आई हैड माई फर्स्ट साइट ऑफ स्केलडेल हाउस। ट्रेन गेट एक गली है जो कि बिल्कुल ही शांत था। मैं आगे की ओर बढ़ता चला गया और बढ़ते बढ़ते वहाँ पर पता चला कि वहाँ पे मेरा पहला दिन था स्केलडेल हाउस के पास। आई न्यू इट वॉज द राइट, मैं जान गया कि यह ही मेरा सही एड्रेस है। प्लेस बिफोर आई वॉज नियर इनफ टू रीड एस फेरनॉन MRCBS ऑन द ओल्ड फैशन ब्रास प्लेट हैंगिंग स्लाइटली एस्केव ऑन द आयरन रेलिंग। वहाँ पे एक आयरन रेलिंग है जिसके ऊपर एक प्लेट में लिखा हुआ है कि एस फेरनॉन, सिगफ्राइड फेरनॉन MRCBS, और वहाँ पे टंगा हुआ है। वह पुराने दौर का प्लेट था और वो झुका हुआ है। एस्केव मतलब होता है झुका हुआ ना, यानी चार स्क्रू जो टाइट किया गया हो सकता है उसमें से एक दो खुल गया हो और वह झुक गया हो। नाउ दैट आई वॉज हेयर राइट ऑन द डोर स्टेप आई फेल्ट ब्रीथलेस एज थो आई हैड बीन रनिंग। अब मैं यहाँ पर हूँ बिल्कुल ही डोर स्टेप के सामने, और मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि सांस बहुत तेज गति से चल रहा है, जैसा कि मैं बहुत दौड़ के आ रहा हूँ। वास्तविक में ये दौड़ के नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ पर पहली बार मिलने के लिए आए हैं, तो इनकी सांस यानी दम फूल रहा है। ब्रीथलेस मतलब होता है दम फूलना। आई लाइक द लुक ऑफ द ओल्ड हाउस, मैं वो जो ओल्ड हाउस था, पुराना घर था, मैं उसे पसंद किया। देयर वॉज ए चेंजलेस एलिगेंस अबाउट द प्लेस, वह जो जगह था बहुत ही विस्मरणीय था, कि बहुत ही यादगार था, यानी ना भूलने वाला, जो एक बार देख लेगा उसको कभी जिंदगी भर नहीं भुला पाएगा, उसको बोलते हैं एलिगेंस। वैसा ना बदलने वाला और ना याद से मिटने वाला जगह था। आई रैंग द डोर बेल एंड इंस्टेंटली द आफ्टरनून पीस वॉज सेटल्ड बाय द डिस्टेंट विंग लाइक ए वुल्फ पैक इन फुल क्राई। आई रैंग द डोर बेल, मैं डोर बेल बजाया। इंस्टेंटली का अर्थ होता है कि बहुत ही शीघ्र ही, बहुत ही यानी तुरंत ही वहाँ का जो शांति था बिल्कुल ही भंग हो गया। सेटर्ड मतलब होता है
चूर चूर हो जाना, ध्वस्त हो जाना, पीस जो था वहां पर का बिल्कुल ही टूट गया। और थोड़ी ही दूर पर एक वुल्फ पैक, मतलब कुत्तों का समूह होता है, बहुत ढेर सारा कुत्ता वहाँ पे जोर जोर से शोर करना शुरू कर दिया और रोना शुरू कर दिया। द अपर हाफ द डोर वॉज ऑफ ग्लास एंड एज आई पिप्ड थ्रो ए रिवर ऑफ डॉग्स पावर्ड राउंड द कॉर्नर ऑफ ए ग्लास पैसेज एंड डैश्ड इटसेल्फ विथ फ्रेंजीड येल्स अगेंस्ट द डोर। जो दरवाजा था, दरवाजा का ऊपरी भाग शीशा का बना हुआ था, तो शीशा से जो बना हुआ था उससे के ऊपर से वह दिख रहा था। तो मैंने वो झांक कर देखा तो ए रिवर ऑफ डॉग्स, कुत्तों का नदियाँ, यानी बहुत ढेर सा कुत्ता उसके अंदर में बहुत जोर जोर से हल्ला कर रहे हैं उस कॉर्नर पे। और उस जगह पर देखें कि बहुत ढेर सारा वहाँ पे एक दूसरे से टकरा रहा है खुद को उस बरामदे में, और बहुत ज़ोर से हल्ला कर रहा है। फ्रेंजीड मतलब पागलों की तरह होता है, उस दरवाजे पर आकर के और उस दरवाजे पर भौंक रहा है। If I hadn't been used to animals, यदि मैं जानवरों से वाकिफ ना होता, जानवरों के साथ रहते रहते आदत ना बना लिया होता, I would have turned and ran for my life. तो मैं वहाँ से भाग कर अपने जीवन बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता। As it was, जो ही ऐसा हुआ, I stepped back wearily and watched the dogs as they appeared, sometimes two at a time, at the top of their lip, eyes glaring, jaws slavering. कर यहाँ पे I stepped back warily. Warily का अर्थ होता है ध्यानपूर्वक। मैंने अपना जो कदम है ध्यानपूर्वक थोड़ा पीछे हटाया और मैंने देखना शुरू किया कि वहाँ पर दिख रहा था कि कभी दो से ज़्यादा उसके एक दूसरे पर चढ़े हुए, डियर लिप, उसकी जो लिप है एक दूसरे पर चढ़े हुए जा रहा था। आइज ग्लेरिंग मतलब होता है चमकना, उसकी आंखें चमक रही थी। जॉज स्लेवरिंग मतलब होता है लार टपकाना, और उसकी जो जबरा है उससे लार टपक रहा है। लिप का अर्थ होता है कूदना, उछलना, एक दूसरे पर उछल रहा है, कूद रहा है, और सबके जौ से यानी जबरे से लार टपक रहा है। आफ्टर ए मिनट और टू ऑफ दिस आई वॉज एबल टू शॉर्ट दैम आउट एंड आई रियलाइज दैट माई फर्स्ट टफ काउंट ऑफ रफ, यहाँ पे रफ होना चाहिए था, ROUGH, काउंट ऑफ अबाउट 14 वॉज एग्जेगरेट, लगभग एक या दो मिनट के बाद मैंने सब जितने भी कुत्ते थे उसको छांटना शुरू कर दिया, और मैंने महसूस किया कि यहाँ पे लगभग 14 कुत्ते अतिरंजित कर रहे हैं। एग्जेगरेटेड मतलब होता है अतिरंजित करना, मतलब जोर जोर से शोर कर रहे हैं। यानी उस रूम में लगभग रफली वहाँ पे चेक किया तो लगभग 14 कुत्ते हैं और वो जोर जोर से शोर कर रहे हैं। There were in fact 5 huge fawn greyhound, यहाँ पे greyhound, escotty, whipped terrier, ये सारे के सारे लीगेड, ये सारे के सारे कुत्ता का नाम है जो कि अलग अलग प्रकार के कुत्ते होते हैं, वो इसमें दिया हुआ है। There were in fact, वहाँ पर वास्तव में 5 huge fawn, fawn का अर्थ होता है चापलूस, या मतलब कुत्ता का एक टाइप होता है ग्रे हाउंड,
लगभग पांच जो है ना फाव ग्रेहाउंड जैसा कुत्ता था, वो अपीयर्ड मोस्ट ऑफ्टन, जो प्राय सामने आकर के वो दिख जाता था, एज ही हैडंट सो फार टू जंप एज द अदर्स, जैसा लग रहा था वह एक दूसरे पर कूद नहीं पा रहा है और आगे की बढ़ते ही जा रहा है। एक कोकर है स्पाइनल, कोकर स्पाइनल, ए स्कॉटी, ए व्हिप्ड एंड ए टीनी शॉर्ट लेग्ड हंट टेरियर, ये सारे के सारे कुत्ते हैं जो कि उसके अंदर में शोर मचाया जा रहा है। दिस टेरियर वॉज सेल्डम सिंस द ग्लास वॉज रादर हाई फॉर हिम बट व्हेन ही डिड, करा यहाँ पे द टेरियर वॉज सेल्डम सीन, जो टेरियर था वो प्रायः वहाँ पे दिख रहा था और उस ग्लास से ज़्यादा दूर नहीं बल्कि आराम से वहाँ से दिख रहा था। बट व्हेन ही डिड, जब वह ऐसा करता था, मेक इट ही मैनेज्ड टू गेट एंड इवन मोर फ्रेंटिक नोट इनटू हिज वर्क बिफोर ही डिसअपीयर, कर रहा था ऐसा जब वो कर रहा था तो वो किसी तरीके से मैनेज करके उसमें आ जाता था। इवन मोर फ्रेंटिक मतलब था पागलों की तरह, नोट इनटू हिज वर्क बिफोर ही डिसअपीयर, यानी वहाँ से हटने तक वो इतना शोर करता था पागलों की तरह कि पूरा एकदम शोर मचाए हुए था। आई वॉज थिंकिंग ऑफ रिंगिंग द बेल अगेन, मैं सोच रहा था कि फिर से बेल बजाऊं, घंटी बजाऊं। व्हेन आई सॉ ए लार्ज वुमन इन द पैसेज, तो मैंने वह बरामदा में देखा कि एक मोटी तगड़ी बड़ी सी औरत उधर से निकली। सी रैप्ड, रैप्ट मतलब होता है फटकारना होता है या कुछ मंत्र जैसा आवाज बोलना। सी रैप्ट आउट ए सिंगल वर्ड एंड द नॉइज स्टॉप्ड एज इफ बाय मैजिक, वह औरत कुछ एक वर्ड में जो है ना डांटी और सारे के सारे कुत्ता जो था बिल्कुल ही शांत हो गया, जैसा लगता है कोई मैजिक या कोई जादू चला दिया हो वहाँ पे और सब कुत्ते शांत हो गए। व्हेन शी ओपेंड द डोर, जब वह महिला दरवाज़ा खोली, द रेवेनिंग मतलब होता है भुखर, पैक वॉज स्लिंकिंग राउंड हर फीट इनग्रेसिया टिंगली, कह रहा है वहाँ पे जितने भी कुत्ते थे सब का सब उसके पैरों के चारों ओर जो है ना भूखर की तरह वह चाटे जा रही थी और हाँफे जा रहे थे सारे के सारे कुत्ते। शोइंग द वाइट ऑफ देयर आइज एंड वैगिंग देयर टक्ट इन टेल्स, जो उसका उजला आँख है और बैंग दियर टक्ट, और जिस प्रकार से वह कर रहा है, जिस प्रकार से वो अपने पूंछ को हिला रहा है, बहुत ही दिखने में अच्छा दिख रहा था। गुड आफ्टरनून आई सेड विथ माय बेस्ट स्माइल, और वहाँ पे कुत्ता का तो अब चर्चा ख़त्म हो गई, अब यहाँ पे चर्चा शुरू हो गई है कि वो जो आदमी है वह जिनसे मिलने के लिए आए हैं तो वो महिला को बोलते हैं गुड आफ्टरनून आई सेड विथ माय बेस्ट स्माइल, जो अच्छी तरह से मुस्कुराते हुए उनको कहते हैं शुभ दोपहर, माय नेम इज हैरियट। अच्छा, वो महिला बोल रही है, वो कहती है गुड आफ्टरनून आई सेड विथ माय बेस्ट स्माइल, और वो कहती है कि माय नेम इज हैरियट। द वुमन लुक्ड बिगर देन इवन विथ द डोर ओपन, जब वह यानी जो अंदर में थी जब वो दरवाज़ा खोलती है तो उसकी अपेक्षा ये थोड़ा बड़ी सी दिख रही है। सी वॉज अबाउट 60
But her hair tightly pulled back from her forehead was jet black and hardly streaked with grey. कह रहे हैं यहाँ पे कि लगभग वह 60 साल की होंगी, लेकिन उनकी जो बाल थी बिल्कुल ही चुस्त दुरुस्त और पुल कर रहा था, एक ओर झुक रहा था फ्रॉम हर फोरहेड, उनके माथे से आगे की ओर बाल उनकी लटक रहा था बहुत अच्छी तरीके से, वह जेट ब्लैक बहुत ही अच्छा काला होता है, एंड हार्डली स्टिक्ड विथ ग्रे, और शायद ही कोई उस बाल जो था उनके बाल में भूरापन आया था, यानी उतना उम्र के बावजूद भी सारे के सारे बाल काले थे और उसमें इक्का दुक्का जो है उसमें ग्रे हो गया था. सी नोडेड द लुक्ड मी बट सी सिम्ड टू बी वेटिंग फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन. सी नोडेड, नोडेड मतलब सिर हिलाया और मुझे देखा. बट सी सिम्ड, लेकिन वह ऐसा लग रहा था कि वह कुछ और इन्फॉर्मेशन की, कुछ और सूचना का इंतज़ार कर रही है. इविडेंटली का अर्थ होता है स्पष्ट रूप से. द नेम स्ट्रक नो आंसरिंग स्पार्क, वो जो आंसर है नो आंसर के रूप में स्पार्क कर रहा है. मिस्टर फैनन इज एक्सपेक्टिंग मी, ये आदमी कह रहा है कि मिस्टर फैरन जो है मुझे बुलाए हैं. ही रोट आस्किंग मी टू कम टूडे, उन्होंने मुझे लिखा है कि आज आप मेरे यहाँ आए. मिस्टर हैरियट, सी सेड थाउटफुली, वह सोचते हुए, जो औरत थी थोड़ा सोचते हुए कह रही है. मिस्टर हैरियट, हैरियट का स्पेलिंग यहाँ पे डबल आर होगा. मिस्टर हैरिट आपको बुलाए हैं सर्जरी इफ फ्रॉम 6 to 7 o'clock, तो आप उनसे 6 या 7 बजे उनसे आकर के मिलिए. इफ़ यू वांटेड टू ब्रिंग ए डॉग इन, यदि आप कोई कुत्ता लाना चाहते हैं, दैट वुड बी योर बेस्ट टाइम, तो उसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय है. यानी जो ये महिला हैं वह हैरिट से मिलने के लिए 6 या 7 बजे बुला रहे हैं, और यदि आपका कुत्ता कोई बीमार पड़ गया है या कुत्ता रखने के लिए आप आ सकते हैं तो उसके लिए ये अच्छा समय है. नो नो आई सेड हैंगिंग ऑन टू माई स्माइल, स्माइल को ताक पे रखते हुए कहते हैं नहीं 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 ऐसा नहीं. I applying for the position of assistant, मैं सहायक के तौर पर मैं अप्लाई किया हूँ. मिस्टर फैरन said to come in time for tea, मिस्टर फैरन जो है मुझ मेरे लिए चाय पे बुलाए हैं. असिस्टेंट, वेल असिस्टेंट यानी सहायक, अच्छा नाउ दैट्स नाइस, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये महिला बोल रही है. द लाइन्स इन हर फेस सॉफ्टन ए लिटिल, आई एम मिसेज हॉल, कह रहा है कि ये जो लाइन थी वो उनके द्वारा बिल्कुल ही मधुर भाषा में बोली गई थी छोटी आवाज़ में, और वो कहती है कि आई एम मिसेज हॉल, मैं मिसेज हॉल हूँ. आई कीप हाउस फॉर मिस्टर फैनन, मैं फैरनॉन का जो हाउस है मैं इसकी देखभाल करता हूँ. ही इज बैचलर, वह अभी कुंवारा हैं, यू नो आप जानते होंगे. ही नेवर सेड एनीथिंग टू मी अबाउट यू बट नेवर माइंड कम इन एंड हैव ए कप ऑफ टी, वही महिला कहते हैं कि वो तो आपके बारे में कभी भी कुछ नहीं बताए हैं, लेकिन आप चिंता ना करें, आप अंदर आ जाइए और चाय पी लीजिए. ही शुडंट बी लॉन्ग बिफोर ही इज बैक, वो अवश्य रूप से अभी तो नहीं आएंगे, लेकिन उनको आने में बहुत ही समय लगना चाहिए.
शी लेफ्ट मी विथ माई टी, वह मुझे चाय दे करके और वहाँ से वह चली गई। द डॉग्स अरेंज देमसेल्व्स पीसफुली अराउंड द रूम, जो जितने भी कुत्ते थे सब के सब उस रूम में आराम से खुद ब खुद अरेंज हो चुके थे, व्यवस्थित हो चुके थे। दे ले रिगार्डली मी विथ फ्रेंडली वेयर डॉम एंड एट द सेम टाइम फाइटिंग ए लूजिंग बैटल्स अगेंस्ट स्लीप। करा यहाँ पे दे ले रिगार्डिंग मी, वे उस तरीके से सो रहे थे कि जैसा मुझे वो याद करें, विथ फ्रेंडली अच्छे तरीके से वह याद कर रहे हैं। बेयरडॉम, बेयरडॉम यहाँ पे लिखा हुआ है आपको, बेयरडॉम, बेयरडॉम मतलब था उबाओ, उब जाना, कि मैं उनसे उब चुका था। एट द सेम टाइम उसी समय फाइटिंग ए लूजिंग बैटल अगेंस्ट स्लीप, ऐसा लग रहा था कि मैं सो करके जागा हूँ। सुन जल्द ही द लास्ट मॉर्निंग हेड एंड फॉलन बैक एंड ए कोरस ऑफ हैवी ब्रीथिंग फिलिंग द रूम। कह रहा है यहाँ पे कि जल्द ही एक लास्ट मॉर्निंग हेड जो होता है वह ऐसा लग रहा था कि थोड़ा ही देर में कोरस, कोरस मतलब होता सामूहिक स्वर, जो ढेर सारा लड़कियाँ या ढेर सारा लड़के एक साथ जो गाते हैं उसको कोरस बोलते हैं। तो वहाँ पे ढेर सारा जो कुत्ता है जो सो रहा है, जो सोने की सांस लेने की आवाज़ है वह इतना जो लगातार है, एक साथ सांस ले रहा है सांस छोड़ रहा है, तो उस ऐसा आवाज़ लग रहा था कि साथ में सब गाना गा रहे हैं और रूम जो है सांसों से पूरा भरा हुआ है, वैसा आवाज़ उसमें से निकलना शुरू हो गया था। बट आई वॉज अनेबल टू रिलैक्स विद देम, लेकिन मैं उसके साथ आराम महसूस नहीं कर रहा था। दिस वॉज ऑल वेरी ऑड, ये सारे के सारे कुछ अजीबो गरीब लग रहे थे। वाई शुड एनी वन राइट फॉर एन असिस्टेंट, कोई ऐसा क्यों लिख सकता है कि मुझे एक सहायक की आवश्यकता है। अरेंज ए टाइम टू मीट हिम एंड देन गो टू विजिट हिज मदर, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई सहायक के लिए एक पत्र लिखे और वह समय दे करके और अपनी माँ से मिलने के लिए चला जाए। अनदर थिंग, दूसरी तरफ, इफ आई वुड इंगेज्ड, यदि मैं इंगेज्ड हूँ, आई वुड बी लिविंग इन दिस हाउस, तो इस हाउस में मैं रह पाऊँगा। येट द हाउस कीपर हैड नो इंस्ट्रक्शंस टू प्रिपेयर ए रूम फॉर मी, और जहाँ तक कि उस हाउसकीपर को ये भी पता नहीं है, वो भी इंस्ट्रक्शन नहीं है कि मेरे लिए एक रूम तैयार करके रख दे, कि वो कोई आने वाले हैं और वो रहेंगे। इन फैक्ट, वास्तव में सी हैड नेवर एवर हियर्ड ऑफ मी, यहाँ तक कि वास्तव में उसको ही पता नहीं है कि मैं यहाँ पे आने वाला हूँ। यानी यहाँ पे हाउसकीपर को कुछ पता नहीं है कि आज इंटरव्यू होने वाला है या कोई असिस्टेंट आने वाला है। माई म्यूजिंग्स, म्यूजिंग्स का अर्थ होता है विचार मग्न होना। वी आर इंटरप्टेड बाय द डोर बेल रिंगिंग एंड द डॉग्स एज इफ टच बाय ए लाइव वायर लिप्ड स्क्रीमिंग इन टू द एयर एंड लॉन्च्ड देमसेल्व्स इन ए सॉलिड मास थ्रू द डोर। माई म्यूजिंग्स, म्यूजिंग्स मतलब था विचार मग्न होना। उस विचार में वह खो गया कि किस तरीके से वो आया, वेल को रिंग किया, घंटी बजने के बाद
जो ऐसा लग रहा था कि एक लाइव वायर मतलब होता है जो करंट चल रहा है, और उसको मैंने छू दिया और वह डॉग जो है कूदना शुरू कर दिया, छड़पना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया, और ये सारे के सारे घटना हो गया। ये सब मन में ही ये बात या सोच रहे हैं। आई विश्ड, मेरी इच्छा है, दे डिड नॉट टेक देयर ड्यूटीज सो सीरियसली। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आदमी है फेरनॉन, यह सही से अपना दायित्व को नहीं निभाते हैं। बस मर्जी आया, मुझे कॉल कर दिया और अपने गायब हो गए। देयर वॉज नो साइन ऑफ मिसेज हॉल, मिसेज हॉल को भी कोई सूचना नहीं है। सो आई वेंट आउट टू द फ्रंट डोर, इसलिए मैं फ्रंट का जो डोर है उसके सामने चला जाता हूँ। वेयर द डॉग्स वेयर पुटिंग एवरीथिंग इनटू देयर फायर्स फैक्ट। फायर्स मतलब होता है भीषण या उग्र। तो यहाँ पे जो डॉग है उसके लिए सारा कुछ वहाँ पे डाल दिया गया है जो उसको आवश्यकता है उसके रूप में। Shut up, I shouted, and the din switched itself off। यानी वहाँ पे बहुत ही भीषण शोरगुल फिर से हो रहा था, तो ये वहाँ पर जा करके वह जोर से चिल्लाया, Shut up, I shouted, and the din switched itself off। तो सारे के सारे वह कुत्ते जो थे जो शोर कर रहे थे वो सारे के सारे चुप हो गए। द फाइव डॉग्स वो जो पांच कुत्ते थे क्रिंग्ड एब्जेक्टली मतलब होता है यानी एकदम बिल्कुल ही नर्म होकर के साष्टांग दंडवत करते हुए एकदम चारों तरफ से एकदम हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया उनके चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए सारे के सारे पांचों कुत्ते झुक करके सलाम करने लगे, प्रणाम करने लगे। आई ओपन द डोर टू ए सोलेमन, मैंने डोर को खोला। सोलेमन मतलब होता है पवित्र या महान या बहुत बड़ा। मैंने जो ही दरवाज़ा खोला, सोलेमन जेंटलमैन विथ ए क्लॉथ कैप रेस्टिंग ऑन हिज ईयर्स ए मफलर नोटेड प्रिसाइजली ओवर हिज एडम्स एप्पल एंड ए क्ले। मैंने जो ही दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलने के बाद एक बड़ा सा जेंटलमैन, एक भद्र आदमी विथ ए क्लॉथ कैप रेस्टिंग ऑन हिज ईयर्स, उसके कानों पर एक टोपी लटक रहा था, ए मफलर नोटेड प्रेसाइजली ओवर हिज एडम्स एप्पल एंड, यानी एक मफलर जो है अपने पेट पर उसको बांधे हुए था, और वहाँ पे आ चुका था। पाइप ग्रोइंग फ्रॉम द एक्जैक्ट सेंटर ऑफ हिज माउथ, वहाँ पे जो आदमी था उसके मुंह में एक पाइप लगा हुआ था जी ठीक और ठीक उसके बीचों बीच। ही रिमूव्ड द पाइप एंड सेड, वह अपने मुंह से पाइप को हटाया और कहा, मी नेम्स मूलीगन एंड आई वांट मिस्टर फेरनॉन टू मेक अप सम मेडिसिन फॉर मी डॉग। ये जो मूलिकन है ये ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, इसलिए इसके प्रोनाउंसिएशन या हो सकता है ये शराब पी रखा हो या थोड़ा अजीब गरीब टाइप का एक करेक्टर है जो प्रोनाउंस सही से नहीं कर पा रहा है, और प्रोनाउंस सही से नहीं कर पाने के कारण जो है ना इसमें जो वार्तालाप होती है बड़ा अजीब गरीब होती है, उसको समझना थोड़ा टफ हो जाता है। ये कहता है कि मेरा नाम मूलिगन है और मैं चाहता हूँ कि मिस्टर यानी मिस्टर के जगह है वो मिस्टर बोल रहे हैं, मिस्टर फेरनॉन, श्रीमान फेरनॉन, टू मेक अप सम मेडिसिन
मेरे कुत्ते के लिए कुछ दवा दें। ओह व्हाट्स द ट्रबल विथ योर डॉग्स, ये कहते हैं कि आपके कुत्ते को क्या परेशानी है। मिस्टर मुलिगन, आपके कुत्ते को क्या परेशानी है? ही रेज्ड ए क्वेश्चन, वह क्वेश्चन करते हैं। आई ब्रो एंड पुट ए हैंड टू हिज ईयर, तो मिस्टर मुलिगन जो है वो अपने कान में उंगली कर लेते हैं और कहते हैं आई ट्राई अगेन विथ ए फुल ब्लडेड शाउट व्हाट्स द ट्रबल। ये अपने कान में उंगली करके वह जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि आपके कुत्ते को क्या समस्या है। ही लुक्ड एट मी डाउटफुली फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षणों के लिए वह संदेहपूर्वक मुझे देखा। ही इज ए वोमिटिंग, वोमिटिंग, वोमिटिंग का स्पेलिंग कुछ और होता है लेकिन आपके बुक में यही दिया हुआ है। ही इज वोमिटिंग सॉर, वो बहुत ज़्यादा वोमिटिंग कर रहा है। वोमिटिंग बैड, बहुत ही खतरनाक ढंग से वोमिटिंग उल्टी कर रहा है। हाउ लॉन्ग आफ्टर ईटिंग डज ही वोमिटिंग, तो ये पूछते हैं कि खाना खाने के कितने देर के बाद, या खाना वोमिटिंग के कितने देर के बाद वो खाना खाए हैं। द हैंड वेंट टू द ईयर अगेन, फिर यह कान पर उंगली ले जाते हैं। व्हाट वाज दैट, अब क्या बोलते हैं वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता है उसको, और यहाँ के क्या लिखा हुआ है स्पेलिंग वैसा ही टाइप से यहाँ पे किया गया है, यानी वो जो सामने वाला व्यक्ति है वो क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई लर्नड क्लोज टू द साइड ऑफ हिज हेड, मैं उसके जो बगल का पार्ट था, जो हेड के बगल का पार्ट था उससे समझने का प्रयास किया। इन्फ्लेटेड माय लंग्स एंड वाउल्ड, वाउल्ड का अर्थ होता है चिल्लाते हुए, उसका जो फेफड़ा है ना चिल्लाते चिल्लाते फूल गया था। व्हेन डज ही वोमिटिंग, वोमिट आई मीन वोमिट, वो कह रहा है कि कब वो उल्टी करता है, तुम्हारे कहने का मतलब उल्टी करना ही ना होता है। ये एक दूसरे से बहस चल रही है और एक दूसरे से समझ से बाहर है कि वो क्या कहना चाहता है और उसका अर्थ क्या निकल रहा है। कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन मतलब होता है वार्तालाप। स्पीड स्लोली अक्रॉस मिस्टर मुलिगन्स फेस, मुलिगन्स जो है उसके चेहरे से वार्तालाप की जो है वो और आगे की ओर बढ़ रहा है। ही गेव मी ए जेंटल स्माइल, वह एक छोटी सी मुस्कान दिए जा रहा है। ओह आई, ही इज वोमिटिंग, वोमिटिंग, वह उल्टी करता है, वह उल्टी करता है। बैड सॉर, बहुत जोर जोर से उल्टी कर रहा है। आई डिडंट फील, मैंने ऐसा महसूस किया नहीं किया। अप टू अनदर इफॉर्ट सो आई टोल्ड हिम आई वुड सी टू इट एंड आस्क हिम टू कॉल लेटर, मैं ऐसा महसूस नहीं किया कि उसको फिर से दोबारा प्रयास करके बुलाऊं और कहूं कि तुम फिर से आओ, क्योंकि इसको समझ से बाहर थे। ही मस्ट हैव बीन एबल टू लिप रीड, वह संभवतया उसको जो मुंह से जो बोल रहा है उसको रीड करके तब जाके ये समझेंगे। मी बिकॉज ही सीम्ड सेटिस्फाइड एंड वॉक्ड अवे, ऐसा लगता है कि वह सहमत है और वो वहाँ से चला जाएगा। बैक इन द सिटिंग आई सैंक इन टू ए चेयर एंड पाउड ए कप ऑफ टी, उसको पढ़ने में असफल रहने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और वह एक कुर्सी पर बैठ करके और चाय पीना शुरू कर देते हैं। माई हेड बिगन टू एक, मेरा सिर दर्द होने लगा। एज आई सफ्ट सफल्ड, सफल्ड का अर्थ होता है स्थान परिवर्तन या स्थान बदलना। जो वो स्थान का बदलाव हुआ है, आज इंटरव्यू के लिए गए हैं, जो स्थान बदलने के कारण इनका माथा दर्द शुरू हो गया। थ्रो द फ्रेंच विंडो इन टू द गार्डन, जिस कारण से वह सोचते हैं कि कुछ देखा जाए, तो वो क्या किए फ्रेंच जो विंडो है उसके तरफ जा करके और देखे गार्डन की तरफ।
I flippered down among the knee deep grass on the lawn and rested my back against the towering acacia tree. वहाँ पे एकेसिया यानी बहुत लंबा सा एक कोई ट्री है, वहाँ पर जा करके वो पेड़ के अगेंस्ट यानी पेड़ से सट करके वह वहाँ पे बैठ जाता है घास में और वो आराम करने लगता है. Where the devil was Fernand? ये डेविल मतलब होता है राक्षस. ये राक्षस फर्नांड कहाँ होगा पता नहीं, ऐसा यह सोच रहा है, अपने आप से क्वेश्चन कर रहा है कि ये राक्षस फर्नांड कहाँ है कुछ पता नहीं. Was the really expecting me or had somebody played a horrible practical joke on me? क्या कोई वाकई में मुझे बुला सकता है, वो मुझे बुलाया होगा, या कोई आदमी जो है जो मेरे साथ बहुत ही खतरनाक प्रैक्टिकल गेम खेल रहा है, कोई प्रैक्टिकल जोक कर रहा है. आई फेल्ट सडनली कोल्ड, मैं उसी समय कुछ ठंडक सा महसूस किया. आई हैड स्पेंड माई लास्ट फ्यू पाउंड्स गेटिंग हेयर एंड इफ देयर वॉज सम मिस्टेक आई वॉज इन ट्रबल. कह रहा है कि कुछ क्षण वहाँ पे बिताया और यदि यहाँ पर कोई गलती करते हैं तो कोई झंझट कुछ प्रॉब्लम में हम पड़ सकते हैं. ए जेंटल ब्रिज, ब्रिज मतलब होता है हल्की या मंद हवा. सेटायर्ड द बिथर्ड ब्लूम्स ऑफ ए मैग्निफिसेंट विस्टेरिया विच ऑलमोस्ट कवर्ड बैक ऑफ द हाउस. विदर्ड मतलब होता है मुरझाया हुआ. ए जेंटल ब्रिज, एक मंद हवा वहाँ से चले जो मुरझाया हुआ, वहाँ पे फूल था, वहाँ पे बहुत ढेर सारा बहुत भव्यता के साथ जो वहाँ पे रखा हुआ था उसकी तरफ से बहुत ही हल्की हवा चले. विथ ऑलमोस्ट कवर्ड बैक ऑफ द हाउस, जो कि जो हाउस था उसके पीछे में फूल लगे हुए थे, वहाँ से बहुत अच्छी हवा वहाँ से चले. देर वॉज प्लेस हेयर, वह वही जगह है. आई लर्नड माई हेड अगेंस्ट द बार्क एंड क्लोज माई आइज. बार्क मतलब छिलका होता है, फिर वही उसी की बात कर रहा है कि अपने सिर को लगा करके उस छिलके के सिर के लगा करके मैं फिर से आँख बंद करके सो गया. आई हेयर्ड ए थिक वॉइस मतलब मोटी आवाज़, एक कर्कश आवाज़ सेइंग हेलो हेलो एंड आई ओपेंड माई आइज. मैंने जो ही आवाज़ सुना मैंने अपने आँख को खोला. समबडी वॉज सेइंग हेलो, कोई आदमी मुझे हेलो कह रहा है. ए टॉल एक लंबा थीन मैन एंड लर्निंग अगेंस्ट द वॉल, वह दीवार के अगेंस्ट में खड़े थे वहाँ पर और एक लंबा सा चेहरा. हीज हैंड्स इन हीज पॉकेट, और उनका जो हाथ था पॉकेट में था. समथिंग सिम्ड टू बी अम्यूजिंग, कुछ विचार मग्न लग रहा था. आई स्ट्रगल टू माई फिट, मैं किसी तरीके से अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास कर रहा था. ही हिब्ड, हिब्ड का मतलब होता है मतलब आह भरना. वह खुद आह भर रहा था, यानी सामने में जो आदमी था वो खुद आह भर रहा था. अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल से थोड़ा हट करके, दीवार से थोड़ा हट करके. एंड हेल्ड आउट हिज हैंड्स, और अपने हाथ को निकाल रहा था. सॉरी यू हैव हैड टू वेट, तुम्हें बहुत इंतज़ार करना पड़ा. आई एम सिगफ्रेड फर्नांड, मैं सिगफ्रेड फर्नांड हूँ, आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ा इसके लिए. आई एम वेरी सॉरी. ही वॉज जस्ट अबाउट द मोस्ट इंग्लिश लुकिंग मैन, वह बिल्कुल ही अंग्रेज की तरह दिख रहा था. आई हैड एवर सीन, जैसा मैं अंग्रेजों को देखता हूँ. लॉन्ग ह्यूमरस स्ट्रॉन्ग जॉड फेस, एक लंबा चेहरा,
मुस्कुराता हुआ, ह्यूमरस मतलब होता है हंसता हुआ, स्ट्रॉन्ग जॉ यानी मजबूत जबरा दिख रहा था, इस तरीके से वो व्याख्या कर रहा है फेनॉन का। स्मॉल क्लिप्ड मोस्टैक और जो उनकी दाढ़ी थी नीचे क्लिप की तरह था, जो अंग्रेज रखता है नीचे की तरफ उस तरीके से दाढ़ी था। अनटीडी जो कि साफ नहीं था, सैंडी हेयर और उनका जो बाल था धूल भरा हुआ था, बालू भरा हुआ था। ही वॉज वियरिंग एंड ओल्ड ट्विड जैकेट, ट्विड मतलब होता है ट्विड का अर्थ होता है एक प्रकार का जो ऊन होता है उससे बुना हुआ एक स्वेटर पहने हुए थे। एंड शेपलेस फ्लैनल ट्राउजर्स और एक बकवास सा जो है एक ट्राउजर फुल पैंट पहने हुए थे। द कॉलर ऑफ हिज चेक शर्ट, उसका जो चेक शर्ट का जो कॉलर था वाज फ्रेड, फ्रेड मतलब घिसा पिटा सा था। एंड द टाई केयरलेसली नॉक्ड, और किसी तरीके से उनका टाई बंधा हुआ था फालतू की तरह। ही लुक्ड एज द ही हैडंट स्पेंड मच टाइम इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, वह दिखने में ऐसा लग रहा था कि वो आईने के सामने बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं। एज टू डाइंग हिम, वो हमेशा पढ़ते रहते हैं। आई बिगेन टू फील बेटर डिस्पाइट एक इन माई नेक वेयर इट हैड टेस्टेड अगेंस्ट द ट्री, जो सामने देखते देखते ये अपने आप को महसूस करते हैं कि जिस प्रकार से मेरा सिर ऐसे लगा हुआ था तो फिर हम पहले माथा में दर्द होता था, अब इनके गले में यानी गर्दन में थोड़ा बहुत दर्द होना शुरू हो गया था। आई सुक माय हेड टू गेट माय आईज फुल्ली ओपन द टफ्ट्स मतलब होता है गुच्छा होता है ऑफ ग्रास फेल फ्रॉम माय हेयर। आई सुक माय हेड टू गेट माय ट्रीज आईज फुल्ली ओपन, यानी आँख को पूरी तरीके से खुलने के लिए मैं अपने सिर को हिला रहा था, ऐसा इसलिए कि जो मेरा सर सटा हुआ था घास में उससे कुछ जो लग गया है वो झड़ जाए। आई डू अप्लाइज, मैंने माफ़ी मांगी फॉर बींग आउट व्हेन यू अराइव्ड, जो इतनी देर से आई डू अप्लाइज फॉर बींग आउट व्हेन यू अराइव, जब आप आए उसमें जो देरी हुई मैं उसके लिए माफ़ी मांगी। आई हैव ए शॉकिंग मेमोरी एंड आई जस्ट फॉरगेट, मुझे एक शॉकिंग मेमोरी की तरह झटका लगा और मैं सारा कुछ भूल गया, यानी जिस प्रकार की कल्पना कर रहे थे कि वो बेकार इंसान है वो ख़त्म है, तो उस प्रकार का ये आदमी नहीं था, बल्कि ये आदमी बहुत ही ठीक ठाक था फेनॉन। इट वॉज मोस्ट इंग्लिश वॉइस, बहुत ही अच्छी अंग्रेजी वॉइस थी, तो बहुत ही अच्छा। फेनॉन मी ए लॉन्ग सर्चिंग लुक देन ही ग्रिंड लेट अस गो इनसाइड, वो लंबे से चेहरा वो मुझे देखते हुए ढूंढते हुए कहते हैं, एक दांत दिखाते हुए स्माइल करते हैं और कहते हैं कि हम लोग अंदर चलें। आई वॉन्टेड टू शो यू राउंड द प्लेस, और ये जो जगह है मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। तो ये फेनॉन जो है ये पूरा का पूरा दिखाना चाहते हैं, और असिस्टेंट के तौर पे पहले ही सिलेक्ट हो चुके थे, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी, लेकिन ये जो फॉर्मेलिटी निभाते निभाते इनको कुछ सिरदर्द बन गया आज के दिन, तो इस याद को जो डॉक्टर हैं अपनी याद को बांट रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसा अजीबोगरीब मेरे लिए इंटरव्यू था। यदि पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।